दोस्तों, ये हमारे पास एयर प्यूरिफायर आया हुआ है। मैंने बेड पे खोल रखा था कि स्क्रैच वगैरह ना पड़े। आप देख सकते हैं, ये हमने इसको पूरा का पूरा खोल दिया है। ये इसका सिस्टम पड़े हुए हैं दोनों के, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। और इस वाले की तो जो थी वो मोटर खराब थी। जब इसको चलाते थे तो ये मोटर एरर देता था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। और अभी भी वो दे ही रहा है मोटर एरर। जब हम इसको चलाएंगे, ये हमारे को मोटर एरर दे रहा है। आप देख सकते हैं कैसे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अब हमने इसमें प्लग लगाना है पहले। ये हमने प्लग लगा दिया, ठीक है। अब हम इसमें इसका ये लगाएंगे, जैक लगा दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं, जैसे ही हम यहाँ से प्लग ऑन करेंगे, ऑन कर दिया, और देखेंगे ये यहाँ पे, देखेंगे ये ऑन हो गया, ठीक है। ये अभी ऑफ है, क्योंकि ये ऑफ दोस्तों इसलिए है, यहाँ पे एक हमारा एक सेंसर होता है, वो हमें लगाना है। देख सकते हैं, ये देखिए ऑन हो गया है, ऑन हो गया। ये देखिए दोस्तों, इंस्टॉल फिल्टर कह रहा है। अभी थोड़ी देर बाद देखना दोस्तों, ये मोटर एरर दे देगा। मोटर हमारी नहीं चल रही है, पीसीबी में तो वायर वगैरह सब लगी हुई है। इंस्टॉल फिल्टर, मोटर एरर, ठीक है दोस्तों, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये प्रॉब्लम है दोस्तों इस सेट के अंदर। तो अब हम इसको, ये मोटर रखी है, दूसरा सेट हमारे पास पड़ा, उसकी खोल के इसमें लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे इसकी क्या रिपोर्ट है। तब तक दोस्तों देख सकते हैं, हमने इसकी मोटर बदल दी है। अब ये ऑन होएगा सेट हमारा, देखेंगे आप। ये देखिए ऑन हो गया है, ये देखिए ऑन हो गया है, ठीक है। जब ये ऑन होगा, यहाँ से ऑन हो गया है, और इंस्टॉल फिल्टर कह रहा है, फिल्टर क्योंकि अभी हमने नहीं लगाए हैं, अभी देखना ऑन हो गया है। ये देखो मोटर भी चालू हो गई है इसकी, देख सकते हैं आप, मोटर घूम रही है, आवाज़ आ रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से वो भी करके दिखा देंगे आपको, देखो स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और फिल्टर के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।